सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किशनगढ़ से। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, राहुल गांधी किशनगढ़ से आगे निकलते हुए, प्रोग्राम के लिए आगे निकलते हुए, उनके साथ जरा देखिए गोविंद डोटासरा मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, कांग्रेस के नेताओं से मिलते हुए, जो इंतजार कर रहे थे एयरपोर्ट के बाहर कि राहुल गांधी वहां पर आएंगे तो वो उनको साफा पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, उनसे बातचीत होगी, क्योंकि आलाकमान के तौर पर राहुल गांधी एक सर्वमान्य नेता कांग्रेस के अंदर, और हर कोई उनसे कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलना चाहता है। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें बताती है कि कांग्रेस पूरे तरीके से एक्टिव मोड में, जोश से लवरेज। मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, राहुल गांधी यहां से रवानगी ले रहे हैं। जी देखिए, राहुल गांधी यहां से रवानगी ले रहे हैं और कुछ ही देर में ये जो राहुल गांधी का काफिला है जिसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं, ये लोग यहां से कुछ ही देर में 1.5 किलोमीटर दूरी पर जो स्वागत स्थल है वहां पहुंचेंगे और वहां के बाद ये काफिला फिर जो तेजाजी का स्थान है जहाँ पर वीर तेजाजी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, वहाँ के लिए रवाना होगा। सभी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरा इंतजाम किए हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जो काफिले हैं उनको आगे के लिए रास्ते खाली करने के लिए भी इसे कह दिया गया है। देखिए, वापस राहुल गांधी अपने जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े थे उनसे मिलके वापस लौट रहे हैं, राहुल ये काफिले के लिए अब रवाना होंगे। आप देख पा रहे हैं कि किस जोश के साथ कार्यकर्ता उनको मालाएं और उनको जो बुकेज वगैरह लेके आए थे वो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम के तहत जो लोग दे पा रहे हैं, जो लोग मिल पा रहे हैं वही सिर्फ मिल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी रुके और यहाँ पे मेरे कैमरा पर्सन कहूँगा थोड़ा सा आगे जाए, देखिए यहाँ पर वो अब कार्यकर्ताओं के बीच में भी पहुँच गए हैं और वो कार्यकर्ताओं से कुछ शायद रब्ता भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ये दुर्लभ एक कहना चाहिए कि तस्वीर है जब राहुल सीधे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि अनुमान था कि यहाँ पर राहुल गांधी को सुरक्षा की दृष्टि से किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। जो मालाएँ लेके खड़े वो भी कतार में रहेंगे, लेकिन उनके आते के साथ ही कार्यकर्ताओं का जो जोश यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से अब यहाँ से निकलने में भी वो थोड़ा सा उनको परेशानी हुई और अब ये राहुल निकल चुके हैं यहाँ से। यहाँ पर जो कुछ लोग खड़े हैं हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या बात हुई राहुल गांधी से उनकी। और किस मुमकिन है तो सत्येंद्र राघव वहां पर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता के तौर पर भी वो कई बार मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत हुई है क्या? कुछ बातचीत हुई उनसे, जरा पूछिए। राहुल गांधी जी से मैंने राहुल गांधी जी से कहा है कि आप अकेले देश के नेता हैं, जो आईबीसी नहीं डर रहे, सीबीआई से नहीं डर रहे, आप अकेले मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की बात उठा रहे हैं, आप युवाओं की बात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा थैंक यू, हम अब लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से ये युवाओं की बात सामने आई और कहा कि ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। अब यहाँ से काफिला रवाना होने वाला है और रवाना होते ही ये काफिला जो है वो सीधा जो स्थल है जहाँ पर इनका स्वागत किया जाएगा वहाँ के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी कार में सवार हो चुके हैं, काले रंग की इस चमचमाती हुई गाड़ी के अंदर राहुल का काफिला अब यहाँ से रवाना हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, एक दुर्लभ तस्वीर कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, तो हम देखें। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला यहां से निकल चुका है, 1.5 किलोमीटर आगे एक समारोह रखा गया, छोटा समारोह, सम्मान समारोह, और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से रखा गया और उसके बाद फिर सुरसुरा का रुख राहुल गांधी करेंगे।